हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेली प्राइम में हम लोग स्टॉक क्वेरी का यूज़ किस तरीके से कर पाएंगे और वो आपको ऑप्शन किस तरीके से मिलेगा। आप लोगों को पता होगा कि टेली आर पी 9 में हम लोग जब परचेस और सेल्स की एंट्री करते थे तो हमें सेल्स और परचेस में राइट साइड में एक बटन दिया था स्टॉक क्वेरी का, जैसे इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देते थे, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर वो आइटम हमने जो पार्टी है उसको हमने क्या क्या रेट में आगे सेल किया हुआ है और जो पर्टिकुलर आइटम है उसको हमने परचेस किस पार्टी से किया और क्या क्या रेट में परचेस किया उसका पूरा डिटेल हमें यहाँ से पता चल जाता, बेच नंबर का डिटेल भी पता चलता था। बट सेम चीज़ अगर आप टेली प्राइम में ढूंढने जाओगे तो ये बटन आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा। तो हमें किस तरीके से स्टॉक क्वेरी का यूज़ करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये मेरा सेल्स इनवॉइस है और यहाँ पे अगर मैं अगर ऑप्शन ढूंढता हूँ तो यहाँ पे मुझे स्टॉक क्वेरी का कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। मोर डिटेल में जाओगे तो भी यहाँ पे आपको स्टॉक क्वेरी का डिटेल ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो आपको टेली प्राइम में सेल्स और परचेस में स्टॉक क्वेरी का यूज़ कैसे करना है, आपको सिंपली क्या करना है, जो हम लोग ERP9 में शॉर्टकट की यूज़ करते थे सेम शॉर्टकट की अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो वो वर्क करेगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ अल्टर एस, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्टॉक क्वेरी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हमने परचेस का डिटेल भी आ रहा है, सेल्स का डिटेल भी आ रहा है। तो दोस्तों टेली प्राइम में आपको बटन नहीं दिखेगा, बट टेली प्राइम में आपको कोई भी आइटम का अगर आपको स्टॉक क्वेरी चेक करना है तो उसकी शॉर्टकट की यूज़ करनी है। टेली में आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, चाहे वो डिलीट करने की हो, चाहे वो कैंसिल करने की हो, चाहे वो स्टॉक क्वेरी चेक करने की, तो आपको जो भी शॉर्टकट की टेली ERP9 में वर्क कर रहा था सेम शॉर्टकट की आपको टेली प्राइम में भी वर्क करेगा। तो आपको शॉर्टकट के थ्रू ही जाना है, बहुत सारे ऑप्शन जो टेली प्राइम में अभी को नहीं दिखाई दे रहे तो उसको आप शॉर्टकट की यूज़ करोगे तो वो 100% वर्क करेगा। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में गाइड करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह को वीडियो बनाता रहता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नए वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।